अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बनाते हैं टेस्टी अचार की रेसिपी है। 10 मैंगो का अचार की रेसिपी है फ्रेंड्स। मेजरमेंट आप लिख लीजिएगा या तो फिर वीडियो में देखकर भी आप लोग डाल सकते हो। 10 मैंगो मैंने कट करके उसको अच्छे से वॉश करके उसको अलग रख लिया था, सुखा लिया था थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे। उसके बाद हम एक पाव राई ले लेंगे, आधा पाव जीरा, 2 बड़े चम्मच मेथी, 10 से 12 काली मिर्ची, 10 से 12 लौंग ले लेंगे। उसके बाद कबाब चीनी ले लेंगे 10 से 12, थोड़ा 1/2 kg लहसुन ले लिया था, सिर्फ हमें लहसुन ही चाहिए, अदरक की ज़रूरत नहीं है हमें। आधा लहसुन हम ऐसे ही कूट करके डालेंगे, आधा साबुत डालना है फ्रेंड्स। सारे चीज़ों को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे 1 by 1। पहले काली मिर्ची को फ्राई कर लिया था, उसके बाद लौंग फ्राई कर लेंगे, निकालने के बाद कबाब चीनी को फ्राई कर लेंगे। ये कबाब चीनी आप किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगी, आप लोग बोलोगे तो कबाब चीनी। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालना है, जितनी मैं दिखा रही हूँ मेजरमेंट में आप उतनी ही ऐड कीजिएगा। ये 10 आम के लिए बराबर आएगी ये मेजरमेंट। मेथी को अच्छे से अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद आधा पाव जो जीरा लेके रखे थे हम उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। हमें राई को कच्चा ही पीसना है फ्रेंड्स, उसको भून करके नहीं पीसना है, कच्चा ही डाला जाता है। आधा हम पीस के डालेंगे, आधा साबुत डालेंगे। सारे मसाले हमें ऐसे ही डालना है। राई को पहले पीस करके अलग रख लेंगे, फिर मेथी दाना ले लेंगे, कबाब चीनी ले लेंगे आधी, आधी काली मिर्ची ले लेंगे, आधी लौंग ले लेंगे। इसको भी पाउडर बना लेंगे, दरदरा पाउडर बनाना है हमें सारे मसालों का। देखिए अभी जीरा हम आधा ले लेंगे फ्रेंड्स, आधा ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें आधा पीस के मिलाना है, आधा ऐसे ही मिलाना है। ये 10 आम की मेजरमेंट है फ्रेंड्स, रेसिपी है। आप ऐसे इसी मेजरमेंट से बनाइएगा तो परफेक्ट बनेगी। थोड़ा सा लहसुन मैंने एक छोटी कटोरी अलग रख लिया था, छोटे छोटे कलियां देख करके, बाकी का लहसुन पीस करके इसमें ऐड कर दिया था। जो खड़े मसाले हमने रखे थे ना, आधे पीस करके आधे बचा करके, उसको भी हम सारा इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, पूरे मसालों को। उसके बाद राई जो बचा के रखे थे, आधी पीस करके आधी अलग रख लिया था ना, उसको ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर देंगे, बड़ा वाला स्पून जो दिख रहा है, कटोरी से आधा कटोरी होगा फ्रेंड्स ये। फिर जो कलियां रखे थे हम उसको भी ऐड कर देंगे, लहसुन के जो बारीक बारीक कलियां रखे थे, 1 बड़ा कटोरी भर के, छोटे कटोरी जो हमारे दाल खाते हैं ना उसके हिसाब से ये शायद 1 से 1.5 कटोरी मिर्ची होगी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच भर के हल्दी ऐड कर देंगे। फिर एक तरफ हम ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। अच्छी तरीके से जब ऑयल गर्म हो जाएगा, जब उसमें धुआं आने लगेगा, तब उतार करके हम चूल्हे पे से गरम गरम ही इस मसाले में ऐड कर देंगे। हमें गरम गरम ही ऐड करना है फ्रेंड्स, ऑयल को ठंडा नहीं करना है। अच्छी तरीके से सारे मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पूरा ठंडा होने के बाद हमें आम मिलाना है, गरम मसाले में आम हमें नहीं मिलाना है, नहीं तो आपका अचार पूरा ख़राब हो जाएगा। जब पूरी तरीके से हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा, सारे कैरियों को हम अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको चम्मच की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो भी चम्मच आप यूज़ कर रहे हो ना, इसमें ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम जिसमें भी आपको अचार भर के रखना है वो ले लीजिएगा। लहसुन के जो ऊपर का जो परत होता है ना छिलका, उसको एक पैन में ऐड कर देंगे। एक डब्बा ले लेंगे, मैंने तो डब्बे में ही बनाया था, प्लास्टिक वाले में आप चाहे तो मर्तबान में भी बना सकते हो। सारा उसका स्मोक धुआं हमें इसमें भर लेना है फ्रेंड्स। भर करके जैसे ही धुआं उसके अंदर भर जाएगा, आप स्लो पे रखोगे ना तो अपने आप धुआं आने लगेगा। कुछ टाइम के लिए ढक्कन बंद करके रख देंगे, फिर उसके बाद सारा अचार जो हमने बना के रखा था ना उसको ऐड कर देंगे। देखिए इतना अचार बन के रेडी हो गया। 2 से 3 बार आप एक बार 2 से 3 दिन में एक बार निकाल करके चम्मच घुमा लीजिएगा, फिर ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा, किसी अच्छी सेफ जगह पे रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये सालों साल तक खराब नहीं होगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो